सेशन में हमने किया था कार रिगिंग। कार रिगिंग में हमने एक्सप्रेशन एडिटर यूज़ किया था। आज हम एक नया एडिटर यूज करेंगे जिसे बोलते हैं सेट ड्राइवन की। सेट ड्राइवन की के थ्रू आप अब आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट प्लग इन प्ले स्क्रिप्ट यूज करनी होगी। आप जो एक्शन करोगे वो अपने आप स्क्रिप्ट बन के रिकॉर्ड हो जाएगा। लाइक जैसे मैं चाहता हूँ किस बॉक्स को इधर करूं तो कोई कमांड चले। दोनों को फ्रिज कर दो। मैं चाहता हूं इसमें कुछ कमांड करूं तो उसमें कमांड चले, तो उसके लिए काम आएगा सेट ड्राइवन की। इसे इधर ले जाऊं तो ये इधर हो, और से इधर ले जाऊं तो ये इधर हो। ठीक है, मुझे मेरी एक स्टेटमेंट है इधर ले जाना, एक स्टेटमेंट है यही की यही जीरो के जीरो, कि जीरो के जीरो पे पड़ा रहे तो कुछ भी चेंजेस ना हो। एक है इधर ले जाऊं तो ये इधर हो, फिर एक है इधर ले जाऊं तो वो उधर हो। तीन स्टेटमेंट है, तीन इफ है, और तीन उसी इफ की स्टेटमेंट्स है, तीन कंडीशन तीन स्टेटमेंट। तो अगर हमें कंडीशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है तो हम यूज करते हैं एनिमेशन में, रिगिंग में, सेट ड्राइवन की। 2016 में एनिमेशन के अंदर है, और 2011 में क्या है, सब कुछ रिगिंग एनिमेशन सब 11 के अंदर है। 16 में रिगिंग अलग कर दी, एनिमेशन अलग कर दिया, पर ये एनिमेशन डिपार्टमेंट में ड्राइवन की। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एनिमेशन में काम आएगा, रिगिंग में नहीं। एक्चुअल में ये रिगिंग का ऑप्शन है पर एनिमेट मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसे ऑन कर लो। कैसे ऑन करना है, की में जाके सेट ड्राइवर में सेट ड्राइवर मींस पेरेंट, और ड्राइवर मींस चाइल्ड। एक मास्टर होगा और एक सर्वेंट होगा। मास्टर है ये, तो ऊपर ऐड कर दो। ठीक है, और मास्टर मतलब पेरेंट लॉर्ड ड्राइवर, और जो सर्वेंट है मतलब चाइल्ड है लॉर्ड ड्राइवन। मैं इसकी जेड एक्सिस को, इसकी जेड एक्सिस को इसकी एक्स एक्सिस इधर ले जाना चाहता हूँ, एक्स से बाइंड करना चाहता हूँ उसकी जेड को उसकी एक्स से। समझ आया? तो पेरेंट की मैंने जेड सेलेक्ट की और चाइल्ड की मैंने जेड सेलेक्ट की, और मैं चाहता हूँ जब ये जीरो रहे तो ये भी जीरो रहे। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। की कर दो, पहली कंडीशन बनाने के बाद की, हर कंडीशन और स्टेटमेंट बनाने के बाद की प्रेस कर देना। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, इसको इधर ले जाऊं तो स्टेटमेंट क्या है, इधर आए, फिर कर दो की। अब देखोगे क्या होगा। समझ आ रहा है? फिर बता रहा हूं क्या किया मैंने। अरे ड्राइवर की आपको हटाना है तो राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन कर देना, हटाने के लिए, फ्रेश करने के लिए। दोबारा बता रहा हूं, कीज में, की में जाना, ड्राइवर की में जाना, सेट, ये आपका पेरेंट है तो लॉर्ड ड्राइवर, और ये आपका चाइल्ड है तो लॉर्ड ड्राइवर। इसका मुझे जेड चाहिए, इसका मुझे एक्स चाहिए। पहली स्टेटमेंट बनाना कि इसका जेड को जीरो करने पे इसका एक्स जीरो रहे,
की, पहली स्टेटमेंट बन गई की। दूसरी स्टेटमेंट मैं यहां लाऊं तो यहां जाए की। अब देखो एक तो जीरो पे जीरो बनी ना, और एक यहां लाने पे यहां बनी। अब देखो रिगिंग चल रही है, अब मुझे दूसरा एक्सिस बनाना है। अब मुझे दूसरा एक्सिस, अब मैं चाहता हूं कि इसे यहां ले जाऊं। कौन से एक्सिस है? एक्स। ये बेशक विंडो दोबारा बंद कर दो। अब मैं चाहता हूं इसके एक्स को इसके वाई से जोड़ना। लॉर्ड ड्रैगन एक्स, लॉर्ड ड्रैगन वाई। मैं चाहता हूं जब इसका एक्स जीरो हो, मैं चाहता हूं जब इसका एक्स जीरो हो तो इसका वाई भी जीरो हो की। फिर मैं चाहता हूं जब इसको इधर ले जाऊं तो वाई एक्सिस में ऊपर जाए की। अब देखो क्या होगा, एक्स में बाइंड हो गया, जेड में बाइंड हो गया, और अगर मैं बीच में ले जा रहा हूं डायगनली तो दोनों एक्सिस में जाएगा वो। समझ आ रहा है? देखो दोबारा बता रहा हूं, एनिमेट करते हैं इसको। कैसे? एस प्रेस करोगे तो एनिमेटेबल हो जाएगा ये। देन अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो ये डायगनली जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों दोनों मास्टरों को, उसके जो दोनों पेरेंट थे, एक तो पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, दोनों को इकट्ठा एक ही, ये क्या है, इन ये दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब दोनों एक्टिवेट हो रखे हैं। तो अच्छा एक एक एनिमेट करो या दोनों एनिमेट करो, आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं इसमें कि ये क्यूब खुल खुल के एक बड़ा खंबा बन जाए, ये पॉल बन जाए। कर दिया। इसका पिविट पॉइंट नीचे रखो, सबसे नीचे। कंट्रोल डी से कॉपी, इसको इसका चाइल्ड, इसको इसका चाइल्ड, इसको इसका, इसको इसका पी पी, इसको रोटेट करके इसके अंदर पी 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 फॉर पेरेंट। देखो आप आउटलाइनर यूज कर सकते हो, लास्ट वाले क्यूब को 180 करके पिछले वाले क्यूब में डाल दो, फिर उससे लास्ट वाले को उसके भी नीचे वाले क्यूब में डाल दो, फिर उससे भी लास्ट वाले क्यूब को उसके भी नीचे वाले क्यूब में डाल दो, फिर उसके लास्ट वाले को उसके नीचे वाले को। अब देखो ये क्या लग रहा है, एक ही बॉक्स लग रहा है ना, अभी खुल के 5 बॉक्स बन जाएंगे। एक सर्कल ले लेता हूं जिसे हम कंट्रोलर बना देंगे,
मैं ये सब नहीं चाहता, तो चैनल कंट्रोल में जाके मैं ये हाइड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा अपना एट्रीब्यूट आ जाए, तो ऐड एट्रीब्यूट, जिसमें मैं चाहता हूं नाम देना और 0 से 5 तक। तो देखो एक ट्रांसफॉर्म आ गया 0 से 5 तक। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब 1 करूं तो एक बॉक्स खुले, 5 करूं तो सारे खुल जाएं। तो मुझे क्या करना है, सेट ड्राइवन की लेना है, लॉ ड्राइवर और सारे बॉक्सेस, क्योंकि सारे चाइल्ड बन जाएंगे अब, सारे बॉक्सेस चाइल्ड बना दो। और सबका क्या एक्स रोटेट की कर दो। अब मैं चाहता हूं जब ये 5 हो जाए तो सारे बॉक्सेस का एक्स एक्सिस 0 हो जाए की। अब देखो क्या होगा, एनिमेट करके देखते हैं इसको। एस देखो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है अब इसकी, समझ आया। तो आज हम इस सेशन में सिर्फ ड्राइवन की कर रहे हैं ताकि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सको। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में और एडवांस करेंगे।